रेवेनस एपिटाइट, पॉलीफेजिया, हंगर, बार बार भूख लगना, कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर को ओवर स्ट्रेस में ला देता है। यह बहुत लोगों में आदत होती है, कोई एक रोटी खाता है, कोई दो खाता है, कोई चार खाता है, कोई छः खाता है, वो बुराई नहीं है, लेकिन वो खाने के बाद संतुष्टि ना होना पॉलीफेजिया है। आज हम साथियों इसी पिक्यूलियर सिम्टम की आपको कुछ होम्योपैथिक दवाएँ बताएंगे। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे पॉलीफेजिया की। पॉलीफेजिया यानी कि इंक्रीज्ड हंगर, यह एक विषय है जिससे बहुत लोग परेशान रहते हैं। मरता क्या ना करता, भूख लगी है तो खाना ही है, लेकिन खाने से पेट नहीं भरता है, और खाना है और खाना है और खाना है, यह ही जो स्थिति होती है इसी को पॉलीफेजिया कहते हैं। आज हम साथियों आपको बताएंगे पॉलीफेजिया को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि पॉलीफेजिया होता क्या है। पॉलीफेजिया साथियों भूख लगने की, हंगर की स्थिति होती है। यह ज़्यादा भोजन करने से फर्क होती है, हमको भोजन अच्छा लगा जो हमें परोसा गया रखा गया, हमने ज़्यादा खा लिया, ये तो हो गई इंक्रीज्ड एपिटाइट कि हम कोई चार रोटी खाता है, कोई छः खाता है, कोई दो खाता है, कोई एक ही खाता है, कोई एक ही टाइम खाना खाता है, लेकिन खाने के बाद और ज़्यादा भूख लगना, मतलब खाते रहना हर एक घंटे पे, रात भर खाते रहना, दिन भर खाते रहना, यह है पॉलीफेजिया यानी इंक्रीज्ड एपिटाइट, इंक्रीज्ड हंगर यानी कि रेवेनस एपिटाइट। आज हम साथियों इसी की दवा आपको बताएंगे। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। पॉलीफेजिया का सिम्टम बार बार भूख लगना होता है, खाने के बाद हंगर के बाद और ज़्यादा हंगर, यह जो स्थिति होती है यह ही पॉलीफेजिया कहते हैं, और यही इसका सिम्टम होता है कि खाने के बाद और भूख लगना। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। पॉलीफेजिया के तमाम कारण होते हैं जिसमें कि डायबिटीज़ हो गया, रात में नींद ना आने का वक्त हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो गया, इस तरह की तमाम फिजियोलॉजिकल, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, तमाम मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो कि पॉलीफेजिया को बताती हैं। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे पॉलीफेजिया यानी कि हंगर यानी कि इंक्रीज्ड एपिटाइट, रेवेनस एपिटाइट को कंट्रोल, क्योर और मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे न लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों उस सफ़र पे जिस पे आपको बताते हैं पॉलीफेजिया को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति आती है साथियों बच्चों में, बच्चों के पेट में कीड़े हैं, वर्म्स हैं और उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है लेकिन उनके शरीर को नहीं लग रहा, तो अगर यह स्थिति है साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है सिना। सिना 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार दी जा सकती है। उस स्थिति में जब बच्चों के एकदम से खुराक बहुत बढ़ गई हो, भूख बहुत बढ़ गई हो और उनके पेट में कीड़े हों, यह दवा कीड़े भी पेट के ख़त्म करेगी, वर्म्स भी ख़त्म करेगी और एपिटाइट को भी नॉर्मल करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि खाते ही जा रहे हैं लेकिन पेट भर गया लेकिन मन की संतुष्टि नहीं हो रही है। अगर यह स्थिति हो साथियों कि तन की संतुष्टि हो गई पेट भरने की लेकिन मन की नहीं हो रही है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है लैक कैनाइनम। लैक कैन 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार इस स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों भूख लगी, खाना खाया, पेट भर गया लेकिन वो बहुत कम देर के लिए वैसा रहा और बहुत ठंडा पानी पीने का मन करे। अगर यह स्थिति हो कि खाना खाया, पेट भरा लेकिन ऑल गॉन सेंसेशन होने लगा आधे घंटे में फिर से, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एसिड फ्लोरिकम। एसिड फ्लोर 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति आती है कि आदत पड़ी है ओवर ईटिंग करने की, खाना खा रहे हैं लेकिन न तन की इच्छा भर रही है न मन की,
अगर ऐसी स्थिति है साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की दवा है एबिस कैनेडेंसिस। इतना खा रहे हैं कि पेट में दर्द हुआ जा रहा है, एबिस कैनेडेंसिस दवा है, जिससे कि यह भोजन की इच्छा थोड़ी सी कम होगी और पेट भरा हुआ महसूस होगा। तो यह एक रेविनस एपेटाइट की, जब पेट में दर्द होने लगता हो खाते खाते, वैसी स्थिति की बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति साथियों आती है कि खाना खा लिया लेकिन पेट नहीं भरा, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसी स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ग्रेटियोला। ग्रेटियोला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों रेविनस एपेटाइट की आती कि खाना खाते खाते पेट में दर्द हो रहा है। यह स्थिति है साथियों कि पेन हो रहा है एब्डोमेन में और गर्मी महसूस हो रही है, लोअर एब्डोमेन में हीट महसूस हो रही है, तो उस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है लिकेसिस। लिकेसिस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर उस स्थिति में ली जा सकती हैं, जब खाते खाते पेट में दर्द महसूस होने लगता हो और पेट के निचले हिस्से में गर्मी महसूस होती हो और रात में सोने के बाद यह तकलीफ ज़्यादा बढ़ती हो, ऐसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति की दवा लिकेसिस है। एक स्थिति साथियों आती हो कि खाने की इतनी भूख लगती हो कि खाते खाते डायरिया हो जाता हो। यह स्थिति हो साथियों कि मोशन ज़्यादा आने लगते हो खाते खाते, ऐसी टेंडेंसी हो तो ऐसी स्थिति की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर ली जा सकती है ऐसी स्थिति में, यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि खाना खाने की ऐसी आदत है कि अगर 2-3 घंटे में खाना नहीं मिला तो लगता बेहोश हो जाएंगे। हर 2-3 घंटे में खाना नहीं मिला या ऐसे अगर ऐसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है आयोडम। आयोडम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ली जाती हैं। अगर यह एहसास हो कि अगर खाना हर 3 घंटे में नहीं मिला तो बेहोशी हो जाएगी और फिर भी मरीज बहुत दुबला पतला हो और उसका शरीर बहुत गर्म हो, ऐसी स्थिति हो तो आयोडम ऐसे साथियों की टक ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति आती है साथियों कि इतनी भूख लगती हो और खाना खाने से आराम ना मिलता हो, इच्छा ना पूरी होती हो, लेकिन गर्म दूध पीने से आराम मिलता हो, कमाल की चीज़ है होम्योपैथी साथियों, ऐसे ऐसे पिकुलर सिम्टम हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है साथियों तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एब्रोटेनम। एब्रोटेनम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है, यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लिया लेकिन लगा पेट अभी खाली है, तो ब्रेकफास्ट के समय अगर यह स्थिति हो रही है सुबह 10 बजे के करीब, तो वैसी स्थिति की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में आती है एरम ट्राइफिलम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है, यह दवा मरीज को लाभ देगी, उनके जो पेट का ब्रेकफास्ट के बाद एम्प्टीनेस है उसको खत्म करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज सुबह कुछ भी खा ले लेकिन 11 बजे उसे बहुत भूख लगती है और अगर उसे खाना नहीं मिला तो उसे कमजोरी आने लगती है, उसके हथेलियों में जलन होने लगती है, तो यदि यह सिम्टम हो साथियों तो इस सिम्टम को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सल्फर। सल्फर 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ली जा सकती हैं। यदि जो है सुबह 11 बजे के करीब जिसको खाना नहीं मिल रहा उसको बहुत कमजोरी आ जाती है, यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक टेंडेंसी हो मरीज की साथियों की बहुत भूख लगती हो, मरीज बहुत तेज खाना खाता हो, बहुत जल्दी खा लेता हो, रैपिड फूड इनटेक, यदि यह स्थिति है साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की और भूख को सामान्य करने की बहुत अच्छी दवा है कॉफिया। कॉफिया 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है, यह दवा ऐसे मरीज जो रैपिड ईटिंग करते हैं उनको लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को खाना ही है ज़्यादा, चाहे बाद में उसे पता है उसे कितनी तकलीफ होगी, उससे पेट में भारीपन, गैस, इरेक्टेशंस, डकार, उल्टी सब हो सकता है, लेकिन फिर भी खाना ही है, तो यदि ऐसी स्थिति है साथियों तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है, यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को बहुत कमजोरी हो, वो बहुत खाता हो लेकिन बहुत कमजोरी हो हाथ पैरों में,
तो यह स्थिति हो साथियों, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है जिंकम मिटैलिकम। जिंकम मेट 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ऐसी साथियों को दी जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में आराम देगी। एक स्थिति साथियों आती हो, मरीज को प्रेगनेंसी के टाइम महिलाओं को बहुत भूख लगती हो और बार बार उन्हें पेशाब जाना पड़ता हो, तो अगर ऐसी स्थिति हो कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, परेशान हो गई है वो और बार बार यूरिनेशन हो रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है विरेट्रम एल्बम। विरेट्रम एल्बम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ली जा सकती है। इस दवा से प्रेग्नेंट लेडीज़ को भूख को थोड़ा नॉर्मल करने में, हालांकि उनके लिए भोजन करना अच्छा है क्योंकि उन एक नहीं दो जीवन को वो इस संसार में स्थापित करे हुई हैं एक साथ, लेकिन फिर भी अगर बहुत भूख है तो विरेट्रम एल्बम एक दवा है जो भूख को सामान्य कर सकती है। एक स्थिति साथियों आती है कि बहुत स्मोकिंग की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है और उनको बहुत भूख लगती है। यदि यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है इग्निशिया अमारा। इग्निशिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जिनको स्मोकिंग की सिगरेट पीने की आदत है, उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ये साथियों कुछ दवाएँ थी रेवेनस एपिटाइट की, हंगर की, पॉलीफेजिया की। दवाएँ साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। इस लंबे से वीडियो पे अपनी राय लिखिएगा कि आपको जो इसमें दवाएं बताई गई हैं उसके बारे में, उसके निदान के बारे में, समस्या के सुन के आपको कैसा महसूस हुआ। कमेंट पोर्शन में हमें ज़रूर लिखिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दें। वीडियो साथियों अपने साथियों में शेयर करते रहिएगा, एक अच्छा कार्य है इसको आगे बढ़ाते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।